चलो ध्यान दो। अब देखो आज जो डिडक्शन अपन रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देना हो कौन कौन से रिवाइज करेंगे आप। सबसे फर्स्ट 80D, 80D किससे रिलेटेड है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर उसके बाद 80DD, मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल। थर्ड 80DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज। और फोर्थ इसके साथ आपको रीड करना है 80U। लेकिन याद रखना ये चारों डिडक्शन कब मिलेंगे? अलाउड ओनली ऑन ऑप्ट आउट। याद रखना ये आप क्या 80D, 80DD, 80DDB, 80U के डिडक्शन आपको सिर्फ कब मिलेंगे? जब आप ऑप्ट आउट करते हो। कायमे से ऑप्ट आउट, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या है? 115BAC। इसको अगर ऑप्ट आउट करते हो तभी आप ये चार डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये चारों को एक साथ पढ़ना है। आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। काय से रिलेटेड डिडक्शन है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन कौन सा लगेगा? 80D। किसको मिलता है ये? इंडिविजुअल और HUF। कब मिलेगा इंडिविजुअल और HUF को? जब वो 115BC को फॉलो करेंगे कि ऑप्ट आउट? ऑप्ट आउट। सबसे पहले डिडक्शन किसको है? इंडिविजुअल। सबसे पहले डिडक्शन किसको है? इंडिविजुअल। किस चीज से रिलेटेड? इंश्योरेंस प्रीमियम। किसके लिए पे करना है? फैमिली। कितना मिलेगा? 25,000 अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस। किस चीज के लिए? मेडिकल इंश्योरेंस। हेल्थ किसका कवर होगा? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। याद रखना डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो काय में? CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या कोई भी अदर हेल्थ स्कीम। लेकिन क्या होना चाहिए? नोटिफाइड। यहां आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस। क्लियर। फिर सेकेंड कैटेगरी में किसके लिए कवर किया है? पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी कितना डिडक्शन है? 25,000। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन होता है कोई तो 25,000 वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000। किसको सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे? नॉन रेसिडेंट को कभी भी सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे। फिर एक और कंसेप्ट ध्यान देना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम 5,000। याद रखने वाली क्या बात है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट काय में कर सकते हैं? कैश। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अदर देन कैश। क्लियर। ये 5,000 अलग से है कि इंक्लूडिंग? इंक्लूडिंग। मोड ऑफ पेमेंट, आप मोड ऑफ पेमेंट में सिंपल याद रखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट काय में चलेगा? कैश। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश। फिर एक और पॉइंट बताया था कि डिडक्शन मिलता है काय पे? मेडिकल एक्सपेंडिचर। अगर आप किसके ऊपर कर रहे हैं खर्चा? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होगा? 60 और मोर। मोर देन 60 नहीं है, 60 और मोर। एनआरआई को क्या ट्रीट नहीं करेंगे? सीनियर सिटीजन हु आर अनेबल टू गेट, मतलब उनका क्या नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 50,000 विच एवर इज लेस। फिर इसके बाद HUF के लिए, HUF में आप एक ही चीज याद रखो, HUF में भी डिडक्शन कितना है? HUF में भी डिडक्शन कितना है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 25,000 विच एवर इज लेस। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50,000। लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000। क्या वन टाइम प्रीमियम पे कर सकते हैं? वन टाइम प्रीमियम पे कर सकते हैं। मैंने 3 साल का प्रीमियम इसी साल पे कर दिया एक साथ, तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम ये पॉइंट ध्यान देना, इन केस वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन हु इज कवर्ड अंडर मेडिक्लेम फादर मदर में से, कोई एक क्या है? सीनियर सिटीजन। कोई एक क्या है? सीनियर सिटीजन। और काय में कवर है? मेडिक्लेम पॉलिसी में।
एंड अनादर इज ऑल्सो अ सीनियर सिटीजन बट नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम. फादर मदर दोनों सीनियर सिटीजन है लेकिन एक काय में कवर है, एक काय में कवर है मेडिकल और एक काय में कवर नहीं है मेडिकल. देखो फिर से, इन केस वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन हु इज कवर्ड अंडर मेडिक्लेम पॉलिसी एंड अनादर इज ऑल्सो अ सीनियर सिटीजन बट नॉट कवर्ड, तो भाई एग्रीगेट डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000. किस किस का 50,000? इंश्योरेंस का और मेडिकल एक्सपेंडिचर मिला के कितना रहेगा? 50,000. याद रखना ही है. तो भाई इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितनी लिमिट है? 25,000. इनमें से अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है एड ऑन 25,000. पेरेंट्स के लिए 25,000. पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है 50,000. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम 5,000. क्लियर? अगर सीनियर सिटीजन है, इंश्योरेंस नहीं है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का कितना डिडक्शन? 50,000. याद रखना ही है. क्या प्रीमियम लमसम में पे कर सकते हैं? पे कर सकते हैं. डिडक्शन कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट. किस प्रोपोर्शन में? नंबर ऑफ इयर्स. चलो इसके बाद दूसरा डिडक्शन काय से रिलेटेड है? मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. किसका मेडिकल ट्रीटमेंट? डिपेंडेंट होना चाहिए और डिपेंडेंट क्या होगा? डिसेबल. लेकिन 80DD में भी आपको क्या याद रखना है? सर 80DD में भी हमें यह याद रखना है कि अगर आप 115BAC में ऑप्ट कर रहे हो तो आपको 80DD का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर 80DD लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट आउट. एलिजिबल एसएससी कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी चलेगा और HUF भी चलेगा. यहां पे अमाउंट खर्चा करना है काई के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा? नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजें. या आप अमाउंट पेड और डिपॉजिट करो काय पे? LIC के पास. यहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, यहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है. फिक्स डिडक्शन मिलेगा कितना? 75,000. सीवियर डिसेबिलिटी अगर है 1,25,000. 80 और मोर अगर डिसेबिलिटी है तो उसको क्या माना जाएगा? सीवियर डिसेबिलिटी. और आपको याद क्या रखना है? बाकी छोड़ो, इसमें इतना ही ध्यान देना है ना. डिपेंडेंट में कौन आएगा? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर. 80C में पेरेंट्स नहीं थे, 80D में नया कौन आया? पेरेंट्स. 80DD में ब्रदर और सिस्टर. याद रखना डिपेंडेंट होना चाहिए और साथ में क्या? डिसेबल. फिक्स डिडक्शन है कितना? 75,000. सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000. HUF के केस में एनी मेंबर होल्ली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच HUF. इसके बाद एक और डिडक्शन है जो किस चीज के लिए मिलता है? मेडिकल ट्रीटमेंट. सेक्शन 80DD, स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज. स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज, ये डिडक्शन भी किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF. पैसा काय पे खर्च कर रहे हैं? मेडिकल एक्सपेंडिचर. किसके लिए? हिमसेल्फ भी चलेगा और डिपेंडेंट भी चलेगा. अब यहां पर डिपेंडेंट कौन आ रहा है? स्पाउस भी चलेगा, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम, होली और मेनली डिपेंडेंट. सारी डिसीज कवर है कि स्पेसिफाइड डिसीज? स्पेसिफाइड डिसीज बोर्ड जो नोटिफाई करेगा. क्वांटम ऑफ डिडक्शन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लेस. एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लेस. अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 1,00,000. सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 1,00,000. सबसे इंपॉर्टेंट 80DDB में क्या याद रखना है कि अगर आप 40,000 या 1,00,000 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और कोई भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर से क्या हो रहा है? रीइंबर्स हो रहा है, तो डिडक्शन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम. मान लो मैं 40,000 का डिडक्शन एलिजिबल हूं क्लेम करने के लिए, 20,000 का मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो मेरा डिडक्शन कितना रहेगा? 20,000. मतलब जितने का क्लेम का अमाउंट आएगा उससे डिडक्शन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर? डिडक्शन क्लेम करने के लिए एसएससी को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड. अब देखो सारे अपन अभी मेडिकल वाले ही देख रहे हैं. इसके बाद लास्ट मैंने कौन सा बताया था? 80U. अब यहां पे एक बंदा है, वो क्या है? डिसेबल. सेक्शन कौन सा? 80U. अब ये बंदा डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट? कॉमन सेंस लगाओ, इंडिपेंडेंट.
अगर डिपेंडेंट होगा तो उसका डिडक्शन तो 80DD में चला गया होगा, अगर इंडिपेंडेंट है इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम पे उसको क्या मिलेगा डिडक्शन, कितना? नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी, एक बंदा है डिसेबल है उसको इनकम है 5,00,000 की, नॉर्मल डिसेबिलिटी है डिडक्शन, सीवियर डिसेबिलिटी है, लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, यहां पे एचयूएफ नहीं आएगा, 80DD में इंडिविजुअल है एचयूएफ, और यहां पे सिर्फ क्या है इंडिविजुअल। 115BC में रहना है कि ऑप्ट आउट, क्या रहना है ऑप्ट आउट, मतलब याद रखो ना सिर्फ तीन डिडक्शन मिलते हैं 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो 80D में लिमिट कितनी है 25,000, 80DD 75, 125, 80DD 1,60,000 सॉरी 40,000 एंड 1,00,000, 80U का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा इंडिविजुअल, डिसेबल होना चाहिए, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब उसको इनकम अर्न होना चाहिए, उस इनकम पे उसको क्या मिलेगा डिडक्शन, इसीलिए इस डिडक्शन को क्या बोला जाता है इनकम बेसिस डिडक्शन। बाकी तीनों डिडक्शन क्या है पेमेंट, आप पे कर रहे हो उस पे डिडक्शन है, और यहां डिडक्शन काय पे है आपकी इनकम पे। सीवियर डिसेबिलिटी कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, नॉर्मल डिसेबिलिटी सीवियर कब मानेंगे 80 और मोर, क्लियर? चलो आज इतना ही रहने दो शॉर्ट में, और कल का रिवाइज करके आना 87A, तो कल मैं क्या रिवाइज कराऊंगा 87A दोनों रिजीम की।